subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हाथों पर काफ़ी हार्ड हार्ड बाल होते हैं कभी कभी, और बरसात खासतौर से बरसात में ना वैक्सिंग करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो हमें ऐसा क्या करना चाहिए जिससे हमारी वैक्सिंग बहुत अच्छी हो और सिंगल यूज़ में ही सारे बाल आ जाएँ, बाल बिल्कुल भी टूटे नहीं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें पाउडर लगाना है कस्टमर के हाथों पर, और उसके बाद ये जो हम वैक्स यूज़ कर रहे हैं ये एलोवेरा वैक्स है, हनी एलोवेरा वैक्स है ये, और इसको बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म हमें नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं, जब आप वैक्सिंग लगा रहे हैं, एप्लीकेशन कर रहे हैं जिस टाइम आप वैक्स की, उस टाइम ये सोच के करिए कि इवनली स्प्रेड होनी चाहिए वो आपके हाथों पे, मतलब कहीं मोटी कहीं पतली नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी वैक्सिंग। और उसको जब आप पट्टी रख रहे हैं उसके ऊपर, तब आपको हल्का सा दबाना है और तुरंत पुल कर देना है, मतलब कि आपकी जो स्पीड पट्टी खींचने की जो स्पीड होनी चाहिए ना वो काफ़ी अच्छे से होनी चाहिए। अगर आप बहुत आराम से पट्टी खींचेंगे तो बहुत दिक्कत आती है, फिर बाल टूटता भी है। बट इस तरीके से अगर आप करेंगे कि तुरंत रखेंगे और हल्का सा रब करेंगे पट्टी को और उसके बाद में तुरंत पुल कर देंगे, तो बहुत अच्छे से बाल आता है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आती है। थोड़ा सा नीचे से स्ट्रेच कर लीजिए, अगर कस्टमर आपका जो वैक्सिंग करा रहा है उसकी स्किन अगर थोड़ी बहुत लूज़ हो तो आप नीचे से ना थोड़ा सा स्ट्रेच कर लीजिए बॉडी को, हाथों को, जिस पे भी कर रहे हैं आप वैक्सिंग, तो उससे भी जो है वो बाल टूटता नहीं है और बहुत इजीली हो जाता है। तो वैक्सिंग की काफ़ी वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल हैं, बट हर बार मेरे पास नए नए क्वेश्चन आते हैं। तो देखिए, इस वैक्सिंग से ना बहुत अच्छे से टैनिंग भी रिमूव होती है, बाल भी बहुत अच्छे से रिमूव होते हैं, और वन टाइम एप्लीकेशन में ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, खासतौर से बरसात या गर्मी किसी भी मौसम में। मेरे यहाँ पर तो कभी प्रॉब्लम नहीं आती है, ना ही गर्मियों में, ना ही सर्दियों में, ना ही बरसात में। तो इस तरीके से आप वैक्सिंग करेंगे तो बहुत अच्छी होगी। वैक्सिंग की जो एप्लीकेशन है उसको स्मूथली करिए, बहुत अच्छे से उसको स्प्रेड करिए हाथों पर, और उसके बाद में उसको हम लोग जो है ना वो स्पून से लगाते हैं, कुछ लोग स्पैचुला से लगाते हैं, बट हम लोग जो है वो स्पून से लगाते हैं, क्योंकि हम स्पून से ही बहुत अच्छी वैक्स लगा देते हैं हाथों पर या फुल बॉडी में कहीं पर भी, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप लोग अगर स्पैचुला से भी लगाते हैं तो देखिए इसी तरीके से लगाइए, फिंगर वगैरह पे भी बहुत अच्छे से लगाइए और बहुत अच्छे से इस तरीके से पुल कर दीजिए। कहीं अगर पट्टी खींचने में प्रॉब्लम आए तो दोबारा से पट्टी को वहाँ पर रख सकते हो आप लोग और दोबारा भी खींच सकते हो। खास तौर से देखिए कोहनी के पास जब हम लोग वैक्सिंग करते हैं ना, ये वाली पार्ट में हमें समझ में नहीं आता डायरेक्शन कि हम कैसे वैक्सिंग करें। तो देखिए इसको कोहनी को ऐसे मुड़वा लीजिए और ऊपर से नीचे को वैक्सिंग वैक्स लगाइए, और उसके बाद में कोहनी पर भी देखिए इस तरीके से लगाइए, और उसके बाद फ्रेश पट्टी लेकर आप लोगों को जो है वो पुल कर देनी है वैक्सिंग को। और मैं आपको बता दूँ, पट्टी जो है ना वो गर्मियों में ज़्यादा यूज़ करनी चाहिए, और थोड़ी सी थिक वाली जो पट्टी आती है वो यूज़ करें। ये जो ब्राउन वाली पट्टी हम लोग यूज़ करते हैं ये काफ़ी थिक होती है और बहुत अच्छे से वैक्सिंग होती है इससे। गर्मियों में खासतौर से या बरसात में खासतौर से हम लोगों को ना बहुत ज़्यादा पतली पट्टी यूज़ नहीं करनी चाहिए, क्योंकि अगर हम पतली पट्टी यूज़ करते हैं ना तो वो वैक्सिंग बहुत जल्दी जल्दी ना मेल्ट होती है उसके ऊपर, और फिर वो हमें प्रॉब्लम क्रिएट करती है बहुत ज़्यादा। तो पट्टी का थोड़ा सा ध्यान रखिए। उसके बाद देखिए अंडरआर्म्स बहुत ईजी होता है करना, बहुत सारी लोड्स ऑफ वीडियो हैं अंडरआर्म्स की कि किस तरीके से हम लोगों को अंडरआर्म्स करना चाहिए, और वन टाइम की एप्लीकेशन में आपकी किस तरीके से वैक्सिंग हो जाती है बहुत ईजीली, आपकी टैनिंग भी रिमूव हो जाती है, आपके जो भी आपकी स्किन पर अनइवन है वो स्किन भी ठीक हो जाती है। देखिए इस तरीके से आप लोग अंडरआर्म्स कर सकते हैं। तो मैंने आज आपको फुल आर्म्स वैक्सिंग दिखाई है, काफ़ी अच्छा मुझे लगा आपके साथ शेयर करना। काफ़ी अच्छे अच्छे मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स बता रही हूँ कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले तो आपको पट्टी का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, दूसरी बात वैक्स बहुत ज़्यादा गर्म नहीं करनी है, तीसरी बात एप्लीकेशन बहुत अच्छी करें, और चौथी बात कि पट्टी को पुल करने का जो तरीका है वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। पुल करने का तरीका अगर आपका अच्छा है तो आपके बाल बिल्कुल भी टूटेंगे नहीं और आपकी वैक्सिंग बहुत अच्छे से होगी। तो देखिए दूसरे हाथ पर भी स्टार्ट कर दी है, क्योंकि मेरे पार्लर पर ये सारा काम ना बहुत ज़्यादा होता रहता है, और अब तो लॉकडाउन भी खुल गया है तो बहुत अच्छे से वैक्सिंग का काम आ रहा है इस टाइम, और हम लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं अपने पार्लर में। तो ये सारी चीज़ें ना बहुत ज़रूरी हैं अगर आप अपना पार्लर रन करते हैं। खासतौर से मेरा चैनल जो है वो बिगनर लोगों के लिए है जो अपना पार्लर रन करते हैं और उनको कुछ कुछ काम करने में काफ़ी प्रॉब्लम आती है, जैसे कि खासतौर से गर्मियों में बरसात के टाइम में वैक्सिंग करने में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो उस प्रॉब्लम का सबसे अच्छा सलूशन ये है कि आप लोगों को जो है ना प्रोडक्ट बहुत अच्छा यूज़ करना है, जैसे कि ये हनी एलोवेरा वैक्स जो है ये बहुत अच्छी वैक्स है गर्मियों के लिए खासतौर से, तो ये मार्केट में इजीली अवेलेबल होती है। अगर आपको मिल जाए तो आप गर्मियों में इसी को रखिए, और बाकी तो आप रिका वैक्स वगैरह, ब्राजीलियन वैक्स वगैरह कोई भी वैक्स कर सकते हैं। सभी की वीडियो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, एक बार चेक करिएगा बहुत अच्छे से,
और आई होप कि मेरा चैनल जो है वो आपकी काफ़ी हेल्प करता है, आप लोगों को काफ़ी पसंद आता है, वेट रहता है आप लोगों को मेरी वीडियो का, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगता है जब आप इतने अच्छे अच्छे कमेंट करके मुझे बताते हो। तो मेरे चैनल पर आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, जैसे कि ब्राइडल मेकअप मिल जाएंगे, रियल ब्राइडल मेकअप मिल जाएंगे जो मैं अपने कस्टमर के साथ काम करती हूँ, रियल पार्टी वेयर मेकअप मिल जाएंगे, रियल आप लोगों को ब्राइडल हेयर स्टाइल मिल जाएंगे, पार्टी हेयर स्टाइल मिल जाएंगे, बहुत अच्छे अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट मिल जाएंगे जिनके मैं रिव्यू भी करती हूँ, और बहुत अच्छा अच्छा प्रोडक्ट जो मैं पार्लर में भी यूज़ करती हूँ अपने क्लाइंट के ऊपर, तो वो प्रोडक्ट भी आप लोगों को उसके रिव्यू और उसको यूज़ करने का तरीका सब कुछ आपको मिल जाएगा। स्किन केयर हेयर केयर में भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हैं, मेकअप से रिलेटेड भी बहुत अच्छी अच्छी वीडियो हैं, कौन से प्रोडक्ट ऐसे हैं जिन्होंने हमें ब्राइडल मेकअप में पार्टी मेकअप में यूज़ करना चाहिए, तो बहुत कुछ है चैनल पर, एक बार अच्छे से सर्च करिए और आप लोगों को काफ़ी हेल्प करेगा मेरा पार्लर। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, और जब भी सब्सक्राइब करें तो प्लीज़ बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, और बेल आइकन में भी ऑल नोटिफिकेशन को आप लोग क्लिक किया करो ताकि आपसे कोई भी वीडियो मिस ना हो, आपको सारी वीडियो टाइम टू टाइम पे मिले। तो देखिए बातें करते करते हमारा जो दूसरे हाथ की वैक्सिंग है वो भी ऑलमोस्ट डन है, और इस तरीके से अगर आप वैक्सिंग करेंगे तो आपको बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपके किसी भी कस्टमर का कोई भी शिकायत नहीं आएगी। तो आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इनकी टैनिंग रिमूव हुई है, कितने अच्छे से इनका बाल निकला है, कोई भी बाल बचा नहीं है। उसके बाद आप एक या तो स्पंज से की हेल्प से आप क्लीन कर सकते हैं हाथों को, या फिर आप टॉवल गीली कर उससे कर सकते हैं हाथों को क्लीन। तो बहुत अच्छे से पहले हाथों को क्लीन करना है, फिर उसके बाद में हाथों पर लोशन लगाना है, आफ्टर वैक्सिंग लोशन भी लगा सकते हैं आप लोग, आप आफ्टर वैक्सिंग ऑयल आते हैं वो भी लगा सकते हैं, आफ्टर वैक्सिंग जेल आते हैं वो भी लगा सकते हैं। तो वैक्सिंग के बाद आपको इनमें से कुछ ना कुछ जरूर यूज़ करना है जिससे आपकी स्किन जो है ना काफ़ी रिलैक्स होती है, क्योंकि जेल जो होता है वो काफ़ी ठंडा होता है, लोशन भी काफ़ी ठंडा होता है, तो आपको इस तरीके की एप्लीकेशन जरूर करनी है अपने हाथों पर। तो बस आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया करके वैक्सिंग हो गई है, कितनी नीट एंड क्लीन तरीके से हुई है, कितनी क्विकली हुई है। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आगे भी मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके से बहुत यूज़फुल वीडियो लेकर आती रहूँगी, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।